ओके अच्छा, चलो एक लास्ट सवाल, डॉलर पर आप क्या व्यू बन रहा है, डॉलर इंडेक्स और स्पेशली डॉलर येन, क्योंकि ये पिछली बार भी आपने इस पर डिस्कशन की थी, इस पर काफ़ी फंड फ्लोज डिपेंड करते हैं, यहाँ पर क्या व्यू है? मनु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो 6 करेंसियां जिनके अगेंस्ट में वो करेंसी की इंडेक्स बनती है, बाकी की 5 यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन करेंसीज एक तरफ चलती है, और उनके सामने अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो येन और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है डॉलर का। पर इस बार बाकी करेंसीज के साथ येन भी एक साथ खड़ा हो गया, तो डॉलर को बचाने वाला अब मुझे कोई नहीं लगता है। डॉलर इंडेक्स बस जो अंतिम दिया फड़फड़ाने वाली बात है, मुझे लगता है इस साल का लो भी वापस डॉलर इंडेक्स तोड़ देगी। तो इस वजह से एक तरफा बेयर इक्विटीज पे बनना बहुत ही कठिन है इस वक्त, दोनों तरफ की बात है, और इसीलिए गोल्ड में हम तेजी कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में साल भर के व्यू में 50% तक अगर येन बढ़ गया तो सारे संसार में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होगा। तो वही वाली बात, अगले 1 महीने में 10% क्रूड घट जाएगा और डॉलर भी बुरी तरह से घट जाएगा। और आने वाले समय में डॉलर घटने के बावजूद अगर साल भर तक येन लगातार मजबूत हो गया तो कई सेक्टर्स में बड़ा डिसरप्शन हो सकता है।